हेलो स्टॉक्स वालों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं 10 ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में जो देंगे आपको लॉन्ग टर्म में बम्पर रिटर्न। और लॉन्ग टर्म कहने से मेरा मतलब है 3 से 5 साल में आपको मिलेगा एक अच्छा रिटर्न। तो आप इन स्टॉक को एक ऑप्शन की तरह यूज कर सकते हैं अपना नया पोर्टफोलियो बनाने के लिए 3 से 5 साल के लिए। और इन स्टॉक्स को रिकमेंड किया एक दिग्गज ब्रोकरेज हाउस ने, जिसको हम लोग IIFL या फिर इंडिया इन्फोलाइन के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टॉक्स के ओवरव्यू को, समझेंगे उनके बिजनेसेस को और साथ ही में जानेंगे उनके लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म रिटर्न को और फिर देखेंगे उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की हाईलाइट को। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने बनाया उसको 2 पार्ट में, ये है पार्ट 1। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर लिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आते रहता हूं। और बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये है टॉप 10 ब्लू चिप स्टॉक्स फॉर बम्पर रिटर्न इन लॉन्ग टर्म का पार्ट 1 और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। तो इस लिस्ट के नंबर 10 पे आती है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो कि आती है सेक्टर इंश्योरेंस में। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो अभी 52,509 करोड़, और इसका 52 वीक का जो हाई था वो था 1,283.40 रुपए, और जो लो था वो था 638.80 रुपए। और 21 जून 2019 को जो बंद हुई है वो हुई है 1,156 रुपए के आसपास, यानी कि अपने 52 वीक के हाई के काफी क्लोज। तो अब देख लेते कंपनी का बिजनेस। तो ये एक ज्वाइंट वेंचर की तरह स्टार्ट हुई थी, और जो ज्वाइंट वेंचर था वो था ICICI बैंक और टोरंटो बेस्ड कैनेडियन कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग के बीच में। और ये जो डील करती है ये मेनली प्रोवाइड करती है आपको इंश्योरेंस जो होता है ऑटो का, इंक्लूडिंग 2 एंड 4 व्हीलर, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, इनके अलावा बहुत सारे दूसरे इंश्योरेंस सर्विसेज भी। और अगर इसके मार्केट की बात करें तो ये मेनली इंडिया में ही ऑपरेट करती है। अब देख लेते हैं इसका लॉन्ग टर्म का रिटर्न, क्योंकि इस कंपनी को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 साल पूरे नहीं हुए, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा इसका सिर्फ 1 साल का रिटर्न। तो 1 साल में इसने जो रिटर्न दिया है वो है 9.15%, में भी जो सेंसेक्स का रिटर्न है वो है 10.62%। अब देख लेते हैं इसका शॉर्ट टर्म रिटर्न, तो 6 महीने में इसने जो रिटर्न दिया है वो है 9.02%, वहीं पे सेंसेक्स ने जो रिटर्न दिया वो है 9.66%। ईयर टिल डेट यानी कि 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक का जो रिटर्न है उसका वो 7.93, वहीं पे जो सेंसेक्स का रिटर्न है वो 8.67। और अगर 3 मंथ्स की बात करें तो उसने दिया है सिर्फ 1.76% का रिटर्न, जबकि सेंसेक्स ने दिया है 2.1%। और अगर 1 मंथ की बात करें तो ये 0.13% अप है, वहीं पे सेंसेक्स 0.58% अप। तो ओवरऑल जो उसका रिटर्न है वो सेंसेक्स के थोड़ा नीचे ही चल रहा है, लेकिन चूंकि ये इंश्योरेंस जगत की मतलब वन ऑफ द लीडिंग कंपनी में से एक है, इसलिए इसका बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर में। तो आप देख लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट को। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इसका नेट सेल्स, उसमें देखने को मिल रही है बढ़त 4% के आसपास की, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इसका नेट प्रॉफिट है वो लगभग 4.77% के आसपास डाउन है। अब देख लेते हैं इसका ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट, तो आप देख सकते हैं नेट सेल्स में देखने को मिल रही है एक जंप 21% के आसपास, वहीं पे जो इसका नेट प्रॉफिट है वो लगभग 7.5% के आसपास ऊपर है। और मैं आपको बता दूं ये एक जीरो डेब्ट कंपनी है। तो अगर आपको इंश्योरेंस सेक्टर से किसी की कंपनी को लेना है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ICICI लोम्बार्ड को। तो इस लिस्ट के नंबर 2 पे आती है बजाज फिनसर्व लिमिटेड, जो आती है सेक्टर NBFC में। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 1,33,554 करोड़, और इसका जो 52 वीक का हाई था वो था 8,474 रुपए, और जो लो था वो था 4,955, और 21 जून 2019 को जो बंद हुई है वो 8,352 रुपए के आसपास, यानी कि अपने 52 वीक के हाई के काफी क्लोज। अब बात कर लेते हैं इसके बिजनेस की। तो ये एक बजाज ऑटो लिमिटेड का एक पार्ट है बजाज फिनसर्व, और ये एक जॉइंट वेंचर है एलियंस ग्रुप के साथ इंश्योरेंसेस के लिए। और ये मेनली जो डील करता है वो करता है फाइनेंशियल सर्विसेज में, जो आती है मेनली फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ। और अगर इसके मार्केट की बात करें तो ये मेनली इंडिया में ही ऑपरेट करती है। अब देख लेते हैं इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न, तो आप देख सकते हैं 10 साल में इसने दिया है 2,061% का रिटर्न, यानी इसने आपके पैसों को 21 गुने से भी ज्यादा कर दिया है 10 साल में। वहीं पे सेंसेक्स का रिटर्न है 170% के आसपास, और 5 साल में इसने जो रिटर्न दिया वो 802.7%, यानी कि यहां भी इसने आपके पैसों को 9 गुने से ज्यादा कर दिया है। वहीं पे सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो 56.12%, और 3 साल में इसका जो रिटर्न है वो 316.9%, यानी 4 गुने से भी ज्यादा आपके पैसों को बनाया है इसने सिर्फ 3 साल में। वहीं पे सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो 46.18%,
और एक साल में इसका जो रिटर्न रहा है वो है 40.06% वहीं पे, सेंसेक्स 10.62% अप। तो लॉन्ग टर्म में इसका जो रिटर्न है वो काफी अच्छा है। अब देख लेते हैं इसका शॉर्ट टर्म का रिटर्न, तो 6 महीने में जो इसका रिटर्न है वो है 32.24% वहीं पे, सेंसेक्स 9.66% अप। वहीं पे अगर ईयर टिल डेट की बात करें तो ये 29.43% अप है वहीं पे, सेंसेक्स 8.67% अप। और 3 महीने में ये अप है 20.79% वहीं पे, सेंसेक्स 2.1% अप। और 1 महीने में इसने जो रिटर्न दिया है वो 2.49% का वहीं पे, सेंसेक्स 0.58% अप। तो इसका शॉर्ट टर्म का रिटर्न भी मैं कहूंगा काफी अच्छा है। अब देख लेते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। तो सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो आप देख सकते हैं इसके नेट सेल्स में दिख रही है एक जंप 16.63% के आसपास। वहीं पे इसका जो नेट प्रॉफिट वो स्लाइटली डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.39%, और इंटरेस्ट में भी देखने को मिली है थोड़ी सी बढ़त जो कि अनदर एक नेगेटिव पॉइंट है। तो मैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट कहूंगा ठीक ठाक। अगर आप इसका ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो आपको दिखेगा कि नेट सेल में देखने को मिल रही है अच्छी खासी जब 43.5% के आसपास अप हुआ इसका नेट सेल्स, वहीं पे जो इसका नेट प्रॉफिट है वो 31.66% अप है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ा है चूंकि ये एक फाइनेंस कंपनी है। तो ओवरऑल इसका ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा दिख रहा है, मुझे लगता है कंपनी का जो प्रोस्पेक्ट है वो भी काफी अच्छा है फ्यूचर में। तो ये भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है अगर आपको एनबीएफसी से उठाना है कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो के लिए। नंबर 8 में आती है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ये भी आती है सेक्टर एनबीएफसी में। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 2,06,782 करोड़, और इसका जो 52 वीक का हाई था वो था 3,599, और जो लो था वो था 1912, और 21 जून 2019 को जो बंद हुई है वो ये 3,566 के आसपास, यानी अपने 52 वीक के हाई के काफी करीब। अगर इसके बिजनेस की बात की जाए तो ये एक सब्सिडियरी है बजाज फिनसर्व का, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और इसके अगर बिजनेस की बात की जाए तो ये भी फाइनेंस प्रोवाइड करती है टू व्हीलर के लिए, पर्सनल लोन देती है, और बहुत सारे इंश्योरेंस सर्विसेज में भी इन्वॉल्व्ड है। अगर इसके मार्केट की बात की जाए तो ये अपने प्रोडक्ट्स को मेनली इंडियन मार्केट में ही बेचती है। तो आप देख लेते हैं इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न, तो आप देख सकते हैं 10 साल में इसने जो रिटर्न दिया वो है 23,298%, आउटस्टैंडिंग रिटर्न है, यानी कि 233 गुने से भी ज्यादा कर दिया ने आपके पैसों को 10 साल में। वहीं पे सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो 170% के आसपास, 5 साल का जो इसका रिटर्न है वो है 1628%, यानी कि 17 गुने से भी ज्यादा कर दिया इसने आपका पैसा 5 साल में। वहीं पे सेंसेक्स 56.12% का रिटर्न, और 3 साल में इसने आपके पैसों को 4 गुने से भी ज्यादा कर दिया है, 359.15% है इसका रिटर्न। वहीं पे सेंसेक्स 40.18%, और 1 साल में इसने जो आपको रिटर्न दिया है वो है 58%, यानी आपके पैसों को 1.5 गुने से भी ज्यादा कर दिया है 1 साल में। वहीं पे सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो 10.62%। अब देख लेते हैं इसका शॉर्ट टर्म रिटर्न, तो 6 महीने में इसका जो रिटर्न है वो 37.1%, वहीं पे सेंसेक्स 9.66% अप, और ईयर टिल डेट में इसका जो रिटर्न है वो 35.03%, ये अप है वहीं पे सेंसेक्स 8.67% अप, और 3 महीने में ये अप है 24.17%, वहीं पे सेंसेक्स 2.1% अप, और 1 महीने में इसने जो रिटर्न दिया वो 3.89%, वहीं पे सेंसेक्स 0.58% अप। तो ओवरऑल इसका शॉर्ट टर्म का रिटर्न जो है वो भी काफी अच्छा है। तो आप देख लेते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। तो सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो आप देख सकते हैं इसका जो सेल्स है उसमें देखने को मिल रही है बढ़त 6.69% के आसपास। वहीं पर अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहां भी देखने को मिल रही है सॉलिड ग्रोथ 11% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर इसका ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो आपको दिख जाएगा कि 52% से भी ज्यादा की जंप देखने को मिली इसके नेट सेल्स में, और वहीं पर इसका जो नेट प्रॉफिट है वो अप है 57.32%। तो ओवरऑल इसका जो फाइनेंशियल जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो काफी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये काफी अच्छा करने वाली है, और आपको मिल सकता है एक सॉलिड रिटर्न इसमें लॉन्ग टर्म में। इस लिस्ट के नंबर 7 पे आती है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जो आती है सेक्टर प्राइवेट बैंक में। उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 6,59,756 करोड़, और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 2,470 रुपए, और जो लो है वो 1,884.40 रुपए, और ये 21 जून को जो बंद हुई है वो हुई है 2,414 रुपए के आसपास, यानी कि अपने 52 वीक के हाई के काफी करीब है ये भी। और इसके बिजनेस की बात की जाए तो ये इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है बोथ असेट के हिसाब से एज वेल एज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और इसके बिजनेस की बात की जो मेनली ये प्रोवाइड करती है बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग एंड ट्रेजरी ऑपरेशन। और अगर इसके मार्केट की बात की जाए तो ये इंडिया के अलावा बहरैन, हांगकांग और दुबई में भी ऑपरेट करती है।
अब देख लेते हैं इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न। तो 10 साल में इसने जो रिटर्न दिया वो है 676.34%, यानी इसने आपके पैसों को 7 गुने से भी ज्यादा कर दिया। वहीं पे सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो 169.9%, 5 साल में इसका जो रिटर्न है वो 193.3%, यानी कि यहां भी 2 गुने से ज्यादा, लगभग 3 गुने के आसपास आपके पैसों को कर दिया इसने 5 साल में। वहीं पे सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो 56.12%, 3 साल में इसके रिटर्न को देखिए आप 107.21%, यानी कि आपके पैसों को डबल से ज्यादा कर दिया इसने 3 साल में। वहीं पे सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो 46.18%, 1 साल के रिटर्न की बात की जाए तो ये अप है 17.44%, वहीं पे सेंसेक्स 10.62% अप। आप देख लेते हैं इसका शॉर्ट टर्म का रिटर्न, तो आप देख सकते हैं 6 मंथ्स में अप है 14.39%, वहीं पे सेंसेक्स 9.66% अप। ये टिल डेट में आप है 13.8%, वहीं पे सेंसेक्स 8.67% अप, और 3 मंथ्स में आप है 5% के आसपास, वहीं पे सेंसेक्स 2.1% अप, और 1 महीने में ये आप है 0.48%, वहीं पे सेंसेक्स 0.58% अप। तो आप देख लेते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। तो सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो आप देख सकते हैं इसका जो इंटरेस्ट अर्न है, जो नेट इंटरेस्ट अर्न किया है कंपनी ने, वो है 1.71% अप। वहीं पे इसका जो प्रॉफिट है वो 5.36% के आसपास अप है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है इसके क्वार्टरली रिजल्ट का। अब देख लेते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट ईयर ऑन ईयर, तो आप देख सकते हैं यहां भी जो कंपनी ने इंटरेस्ट अर्न किया वो है 23.51% अप हुआ है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी 22.63% के आसपास अप है। तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो भी काफी अच्छा है। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल काफी अच्छे हैं, कंपनी काफी अच्छा कर रही है, इंडिया की नंबर वन प्राइवेट बैंक है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करें तो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर से ये एक अच्छा खासा आपके लिए प्रॉफिट बना के दे सकती है। इस लिस्ट के नंबर 6 पे आती है लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, जो आती है सेक्टर इंजीनियरिंग में। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 2,16,041 करोड़, और इसका जो 52 वीक का हाई था वो था 1,607 रुपए, और जो लो था वो था 1,182.50 रुपए, और 21 जून को जो बंद हुई है वो ये 1,540 के आसपास, यानी कि अपने 52 वीक के हाई के काफी करीब। और अगर इसके बिजनेस की बात की जाए तो इसकी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। डेनमार्क से आए थे 2 इंजीनियर्स हेनिंग हॉल्क लार्सन एंड एस के टूब्रो, और वो एक रिप्रेजेंट कर रहे थे किसी कंपनी को, मेनली आए थे इंडिया सीमेंट के बिजनेस के लिए, लेकिन उसी टाइम में स्टार्ट हो गया था वर्ल्ड वॉर 2, और इस वजह से जो सप्लाईज थी वो रुक गई थी, बंद हो गई थी, डेनमार्क से इंडिया नहीं आ पा रही थी। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए इन दोनों ने डिसाइड किया अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने के लिए, और इस तरह से स्टार्ट हुई 1938 में लार्सन एंड टूब्रो कंपनी, जो कि बहुत ही छोटी सी कंपनी थी। और आज ये कंपनी एंगेज है इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, हेवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन, मेटलर्जी, रियल एस्टेट, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स में। और अगर इसके मार्केट की बात की जाए तो ये इंडिया के अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑपरेट करती है। तो आप देख लेते हैं इसका लॉन्ग टर्म का रिटर्न, तो 10 साल में इसका जो रिटर्न है वो 31.6%, वहीं पे सेंसेक्स का जो रिटर्न वो 169.9%, 5 साल में जो इसने रिटर्न दिया वो 40.27%, और सेंसेक्स का रिटर्न है 56.12%, और 3 साल में जो इसका रिटर्न है वो 54.55%, और सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो 46.18%, और 1 साल में इसने जो रिटर्न दिया वो 19.35%, वहीं पे सेंसेक्स 10.62%। आप देख लेते हैं इसका शॉर्ट टर्म का रिटर्न, तो 6 महीने में इसने दिया 8.42% का रिटर्न, वहीं पे सेंसेक्स का 9.66% का रिटर्न है। ईयर टिल डेट ये अप है 7.06%, वहीं पे सेंसेक्स 8.67% अप, 3 मंथ्स में ये अप है 12.18%, वहीं पे सेंसेक्स 2.1% अप, और 1 मंथ में ये अप है 6.34%, वहीं पे सेंसेक्स 0.58% अप। तो यहां भी आप देख सकते हैं इसका जो रिटर्न है वो एट पार है सेंसेक्स से। तो सेंसेक्स को बीट करके अगर आपको रिटर्न चाहिए तो मुझे लगता है लार्सन एंड टूब्रो एक बहुत ही अच्छा प्रोपोजिशन बन सकता है आपके लिए। तो आप देख लेते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट, तो सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो आप देख सकते हैं नेट सेल्स भी देखने को मिल रही है एक सॉलिड जंप, 26% के आसपास की अप है। वहीं पे अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो 67.43% की जंप देखने को मिल रही है इसके नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब देख लेते हैं इसका ईयर ऑन ईयर रिजल्ट, नेट सेल्स में यहां भी देखने को मिल रही है जंप 10.46% की आसपास, और अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो लगभग 8% के आसपास की अप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो उसका क्वार्टरली रिजल्ट भी काफी अच्छा मैं कहूंगा। तो आप अगर एक ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो बहुत ही लो रिस्क हो लेकिन अपना जो रिटर्न है वो बैंक के फिक्स डिपॉजिट से कहीं बेटर दे रहा हो, तो मुझे लगता है आपको लार्सन टूब्रो बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो इस लिस्ट के नंबर 5 से नंबर 1 तक की कंपनी को मैं लाऊंगा इसके पार्ट 2 में, जो आएगा अगले शनिवार 29 जून 2019 को। तो ये थी टॉप 10 से लेकर टॉप 6 तक की लिस्ट। आपकी क्या राय है इनके बारे में, आप इनमें से किस स्टॉक में लगाना चाहेंगे अपना
पैसा लॉन्ग टर्म के लिए, और आपको अगर लगता है कि कोई स्टॉक मैंने छोड़ दिया है तो आपके हिसाब से जो सजेशन है उसको भी प्लीज आप कमेंट में मेंशन कर दें। तो वीडियो करूंगा यहीं पे वाइंड अप, पसंद है तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।